हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर अस्पताल के पालना घर में छोड़ा मासूम, नर्सिंग कर्मी ने संभाला मासूम बच्ची को, डॉक्टर ने किया चेक, ऑक्सीजन पर रहने के बाद अब स्वस्थ। बाड़मेर जिला अस्पताल में भर्ती मासूम एक मां ने अपने कलेजे के टुकड़े को लावारिस हालत में बाड़मेर जिला अस्पताल के पालना गृह में छोड़ दिया। मध्य रात को पालने की घंटी बजी तो नर्सिंग कर्मी दौड़ते हुए पहुंचे, पालने में मासूम मिली। बच्ची इतनी कमजोर थी कि वह अच्छे से रो भी नहीं पा रही थी। मासूम को छोड़ने के दौरान माँ का शायद दिल नहीं पसीजा, उसको दो दिन तक ऑक्सीजन पर रखा गया था। अब बच्ची स्वस्थ है लेकिन अभी भी अस्पताल में भर्ती है। नर्सिंग कर्मी के मुताबिक बाड़मेर जिला अस्पताल के पालना गृह में 13 अप्रैल को मध्य रात्रि को एक मां अपने कलेजे के टुकड़े को रखकर चली गई। पालना गृह की घंटी बजने पर नर्सिंग कर्मी भाग कर आए, मासूम को संभाला। मासूम उस समय बहुत कमजोर थी। नर्सिंग कर्मी ने डॉक्टरों को बुलाकर मासूम को चेक करवाया। नवजात को महिला एवं शिशु अस्पताल के SNCU वार्ड में भर्ती करवाया है। दो दिन तक मासूम को ऑक्सीजन पर रखने के बाद शनिवार को ऑक्सीजन से हटाया गया। मासूम अभी स्वस्थ है, जिला अस्पताल में भर्ती है। शिशु रोग विशेषज्ञ हरीश चौहान ने बताया कि 3 माह बाद पालना गृह में किसी मासूम को कोई रखकर गया है। 2 दिन मासूम ऑक्सीजन पर था, आज मासूम स्वस्थ है। बच्चे का वजन 2 किलो 390 ग्राम है। गौरतलब है कि मासूम ने अभी तक आंख खोलकर किसी को अच्छे से देखा भी नहीं कि माता पिता ने इस संसार में उसे लावारिस बनाने वाले पता नहीं कितने निर्मम थे जो उसे अकेला छोड़कर चले गए। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकुर इकबाल की रिपोर्ट।